सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। नीति वचन 18 उसकी 8 आयत, नीति वचन 11 उसकी 13 आयत, याकूब 3 उसकी 5 से 10 आयत। अगर आप जीसस क्राइस्ट की लाइफ को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों के साथ थे तो परमेश्वर ने एक लंबा समय लोगों को टीच करने में बिताया। अगर आप पहाड़ी उपदेश परमेश्वर का देखेंगे तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था ये लोग 3 दिन से मेरे साथ हैं, और 3 दिन में परमेश्वर ने एक हीलिंग सर्विस की और 3 दिन परमेश्वर उनको वचन सिखाता गया। जिस कलीसिया में वचन की सिखावट थोड़ी है और हीलिंग ज्यादा है, वो कलीसिया कंप्लीट कभी नहीं हो सकती और उसके लोग मजबूत कभी नहीं हो सकते, और उस कलीसिया के विश्वासी कभी मैच्योर नहीं हो सकते जो वचन को कम अहमियत देते हैं। वो भी कलीसिया कंप्लीट नहीं है जो हीलिंग बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जाओ प्रचार करो और उसके बाद लोगों को चंगा भी करो। इसीलिए जब आप वचन को सुनते हैं तो मोस्टली परमेश्वर आपको उत्तर जो है आपके आपकी प्रॉब्लम्स के उत्तर, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम के उत्तर, आपके शारीरिक प्रॉब्लम के जो उत्तर हैं वो आपको हमेशा वचन के बीच में से होकर देता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? तो लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 से 18, नीति वचन 18 उसकी 8 आयत, नीति वचन 11 उसकी 13 आयत, याकूब 3 उसकी 5 से 10 आयत। अपने हाथों को उठा के बोलो, जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसको मानूंगा और फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर ने वचनों को सिखाने में इतना समय लगाया, लोगों के साथ परमेश्वर ने सिर्फ 34 दिन बिताए और चेलों के साथ 3.5 साल बिताए। अब चेलों को परमेश्वर ने रोज रोज चंगा थोड़ी किया, अगर किसी की बीमारी थी तो पहली मुलाकात में दूसरी मुलाकात में वो ठीक हो गई होगी, पर 3.5 साल परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनको वचन समझाया और उनको काबिल बनाया कि अगर तुम वचन को नहीं सीखोगे और समझोगे तुम मसीहियत में कभी भी पक्के नहीं हो और तुम्हारी कभी भी शैतान कुर्सी को हिला सकता है। लेवी व्यवस्था 19 उसकी 9 से 18 ये तब की बात है जब इसराइली लोग मिस्र में से निकाल दिए गए थे, रास्ते में थे और परमेश्वर मूसा से बात करता था और उन्हें व्यवस्थाएं दे रहा था, हुक्म दे रहा था मानने के लिए कि मेरे लोग ये करेंगे ये करेंगे। कोई हुक्म अब तक नहीं दिया गया था, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था उनको दी, हुक्म दिए कि तुम परिवार में कैसे चलोगे, समाज में कैसे चलोगे, लोगों में कैसे चलोगे, फाइनेंस में कैसे चलोगे, चोरी हो जाए तो क्या करोगे, कोई मार दे तो क्या करोगे। तो सारे नियम कानून जो था परमेश्वर उसे बना रहा था। तो बाइबल एक चीज कहती है, बाइबल कहती है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत नहीं है। पाप तो पाप ही है और वो आपकी लाइफ को घटाता ही है, लेकिन वचन कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु है, कुछ पाप ऐसे भी हैं जिनका फल मौत नहीं है। वो आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोकते, लेकिन इस धरती की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो परफेक्शन है, जो परमेश्वर आपको लाइफ देना चाहता है, वो उससे रोकते हैं आपको। उसमें लिखा जब तुम अपने खेत देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और काटे हुए खेत की गिरी हुई बालों को ना चुनना। परमेश्वर एक आम हुक्म दे रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम अपने देश के खेत काटने के लिए जाना ना, फसल काटना, तो नुकरे मत काट लेना, कुछ कुछ खेत छोड़ देना। किसके लिए? आगे लिखा हुआ है अपने दाग की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना, अपनी दाग की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे दाख की बारी अंगूरों की बेलें हैं तुम्हारी, तो सारे अंगूर जब पक जाएं तो तोड़ मत लेना, कुछ कुछ दाने छोड़ देना,
गरीब लोगों के लिए, परदेशियों के लिए, कि जब वो आए कटनी के दिनों में तो अब थोड़े थोड़े दाग जो लगी है उसको तोड़ें और अपने घर चले जाएं। ये एक ऐसा हुक्म था, अगर कोई ना माने तो उसे मौत की सजा नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था जो कोई माता और पिता को श्राप दे उसे मार देना, जो कोई जादू और टोना करने वाली के पास जाए उसे मार देना, जो कि ईश्वर निंदा करे उसे मार देना, जो कोई मूर्तियों को पूजे उसे, ऐसा लिखा था पुराने नियम में। पर ये ऐसे हुक्म है जहां परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर कोई खेत पूरी तरह से ना काटे तो उसे मार देना। ये ऐसे हुक्म थे जिन्हें तोड़ना पाप तो था ही, लेकिन ऐसा पाप नहीं था कि वो पाप मृत्यु का कारण बने। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि जो पाप मैंने आपको सिखा रहा हूं, जैसे पौलुस ने कहा कि अगर तुम परस्त्री गमन हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, मूर्ति पूजक हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। ये है पाप जो मृत्यु पैदा करते हैं। और ये हुक्म जो परमेश्वर ने दिए कि परमेश्वर ने कहा भाई साहब तुम्हारे खेत हैं 10 एकड़ हैं तो उनकी नुकरे छोड़ देना, ताकि जो दीनहीन परदेशी लोग हैं वहां पे आए और नुकरे को इकट्ठा कर लें, अपने घर का राशन पानी थोड़ा सा उनका इकट्ठा हो जाए, उनका पेट पल जाए। अब देखो ये हुक्म कोई बहुत बड़े हुक्म नहीं थे, लेकिन थे। मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूं कि ऐसे पाप जो बड़े हैं और ऐसे पाप जो छोटे हैं, ये दोनों आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं और बुरी तरह से करते हैं। परमेश्वर का छोटे से छोटा हुक्म जो बाइबल में दिया गया है, चाहे वो टाइट देना हो, प्रेयर करना हो, माता पिता की आज्ञाओं को मानना हो, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, कुछ भी हो, वो छोटे से छोटा हुक्म जो जीसस क्राइस्ट के मुंह से निकला, वो एक लंबा बड़ा असर आपकी लाइफ के अंदर पैदा कर सकता है। जब आप रूथ की स्टोरी को देखते हैं, आप गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग गांव से आते हैं, पिंडों से आते हैं, हाँ देखो आधे लोग होंगे। तो जब आप गांव में होते हैं तो आपको मालूम होता है कि आ वाला जमींदार जेड़ा ना ये बड़ा कंजूस है। गांव वालों को पता होता है कि कुछ जमींदार ऐसे जो रोज लस्सी बांटते हैं फ्री में। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उनके घरों से लोग रोज लस्सी लेने के लिए जाते हैं फ्री में। कुछ जमींदार होते हैं जो बड़े टाइट होते हैं, जो बड़े कंजूस होते हैं, तो लोगों को मालूम होता है कि मेरे जो गांव का जमींदार है वो कैसा है, लैंडलॉर्ड कैसा है। तो जब रूथ बोअज के खेत में वो चुगने के लिए गई, दाने चुगने के लिए गई, तो वो पता करके गई थी कि कौन सा खेत है जहां मैं जाऊं तो अपनी सास का पेट मेरा पल जाए, क्योंकि मजदूर से पूछता है कि भाई साहब काम कहाँ अच्छा मिलेगा, ये वाला मालिक अच्छा है मजदूरी रोकता तो नहीं है, ये वाली दुकान अच्छी है मजदूरी रोकती तो नहीं है, ये वाली कंपनी अच्छी है ना मजदूरी खाती तो नहीं है। तो मजदूर मजदूर का भाई होता है एक तरह से। तो वो बोअज के खेत में क्यों गई? क्योंकि बोअज बाइबल कहती है परमेश्वर के हुक्मों को मानने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि जब वो खेत काटेगा तो खेत की नुकरे नहीं काटेगा। तो मजदूरों को यह बात मालूम थी कि बोअज नाम का बंदा है वो खेत छोड़ देता है, आसपास नुकरे छोड़ देता है, बड़ा वहां पे दाना मिलेगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि जब तुम फसल इकट्ठी करते हो ना, जो गिर जाए तुम्हारे इकट्ठी करते करते जमीन पे, उसे चुगना मत, वो भी दीनहीन और परदेशियों के लिए छोड़ देना। तो सब मजदूरों को मालूम था कि इस खेत में अन्न बड़ा मिलेगा। तो रूथ इसी पूछ पुचाहट में, क्योंकि वो जानती नहीं थी उस इलाके को, तो सडनली उसको सपना तो आया नहीं होगा ना, वो इस इलाके को जानते, तो लोगों से उसने पूछा होगा, तो लोगों ने बोअज का खेत रिकमेंड किया कि वहां पे चली जा, तेरे को कुछ ना कुछ अब तेरी बूढ़ी सास के लिए तेरे लिए जरूर मिल जाएगा। अब देखो एक हुक्म जो मृत्यु का कारण नहीं है, जो नहीं मानता लालच कर जाते हैं लोग, मर नहीं जाते, लेकिन अगर बोअज ने सारे खेत को काट लिया होता और उसकी आदत होती कि वो सारे खेत काट लेता है, कुछ छोड़ता नहीं, मैं आपको दावा करता हूं रूथ जैसी एक अच्छी औरत, एक काबिल औरत, एक विश्वासी औरत उसकी लाइफ में कभी भी एंटर ना कर पाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक छोटा सा हुक्म, एक स्मॉल सा हुक्म, किस तरह से देखो उसकी लाइफ में पैसा था, वो बोअज अमीर था, लैंडलॉर्ड था, पैसे थी, बरकत थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन मैरिज नहीं थी। आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी होती हैं, वो तब तक नहीं बनती जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं मैं मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा हूं जी, मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं जी, अब ये बात नहीं है। कई बार परमेश्वर आपको आपकी लाइफ की बड़ी टेस्टिमनी देने से पहले वो चाहता है आप छोटे छोटे गुनाह भी जो करते हैं उसको ना करें, परफेक्ट लाइफ रखें, ताकि परमेश्वर आपको वो लाइफ दे सके जो आपको देने के लिए, जिसके लिए आपको बुलाया गया है,
जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। लेकिन अब परमेश्वर अब्राहम को बच्चा देना चाहता था, लेकिन अब्राहम परफेक्ट नहीं था, इसलिए परमेश्वर 99 साल का जब वो था, परमेश्वर आते हैं उसके दर्शन में, बोलते हैं अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोलता था परमेश्वर 24 साल हो गए तेरा पीछा करते, अभी भी मुझे सिद्ध होना है क्या? अब तो बातें कम कर, बच्चा दे मुझे। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि जो मैं तुझे देना चाहता हूं, कई बार आपकी आपकी लाइफ में 5 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, बड़ी 6 टेस्टिमनीज बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी गवाही बाकी है जिस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरी लाइफ में ऐसा था, बहुत सी गवाहियां थी, लेकिन अभी भी कुछ टेस्टिमनीज ऐसी थी जिन पर मेरा पूरा जीवन निर्भर करता था। तो क्या करूं, खींच आती थी, खिजाहट आती थी, गुस्सा आता था, प्रभु के ऊपर निकालता था, प्रेयर बंद कर देता था, ड्रामे चलते थे, कोई फायदा नहीं होता था, फिर से दोबारा उसी प्रेजेंस में आना पड़ता था, कुड़कुड़ाकर अपनी ब्लेसिंग को मैं लेट करता था। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे सीधा चलना पड़ेगा, मुझे धीरज रखना पड़ेगा, मुझे आत्मा के फलों को बनाना पड़ेगा, मुझे छोटे हुक्मों से लेकर बड़े हुक्मों को मानना पड़ेगा, ताकि वो आशीष मेरी लाइफ में जब आए तो वो कंप्लीट हो जाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब देखो, है छोटा सा हुक्म, परमेश्वर ने ऐसे ही बोला मूसा को कि जब दाख इकट्ठी करना तो सब इकट्ठी मत कर लेना, जब खेत काटना सारे मत काट लेना। अब एक धर्मी बंदा जो प्रभु से प्यार करता है, मैं आपको दावा करता हूं, वो छोटी आज्ञा हो बड़ी आज्ञा हो, वो उस आज्ञा को कभी भी तोड़ता नहीं, कभी भी नहीं ब्रेक करता उस आज्ञा को, कभी भी तोड़ता नहीं, छोटी हो चाहे बड़ी हो। लेकिन जो नॉन सेंसिटिव अनसेंसिटिव लोग होते हैं, जिनको सेंस नहीं होती, जो आत्मिक डफर होते हैं, उनको मतलब नहीं है, वो छोड़ते, कोई नहीं परमेश्वर साढ़े नाल ही है, वो कोई नहीं चिंता नहीं करनी, और अब माफ करने वाला परमेश्वर, वो है माफ करने वाला, लेकिन पता नहीं कौन सी छोटी एक आदत है तुम्हारी बुरी, जो तुम्हारी लाइफ की एक बड़ी गवाही को रोक के बैठी। वो आदत छोटी सी हो सकती, गाली निकालना हो सकती, चुगली करना हो सकती, छोटी आदत, लेकिन तुम्हारी बड़ी गवाही को रोक के बैठी। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर कई बार आपकी लाइफ की बड़ी गवाहियां छोटे हुक्मों के पूरा होने के साथ जोड़ के रखता है, ताकि आपको ये बात समझ जरूर आए कि जिस तरह बड़े हुक्मों को मानना जरूरी है, छोटे हुक्मों को मानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आपकी कई लाइफ की बड़ी गवाहियां उन हुक्मों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? बोस छोटे हुक्मों को मानता था, उसी वजह से उसे थोड़ी मालूम था, वो तो मानता था। जो टाइट देने वाले लोग हैं वो लालची थोड़ी हैं कि मुझे परमेश्वर 100 गुना देगा। ये बिजनेस कर रहे हो क्या तुम? ये परमेश्वर के साथ तुम्हारा बिजनेस चल रहा है कि तुम 100 दोगे तो वो तुम्हें 100 गुना करके 10,000 वापिस करेगा? नहीं, जो खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण, खुदा से प्यार के कारण, वो छोटे और बड़े सब प्रकार के हुक्मों को मानते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरा होता है, तूने जो मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। वो आपको छुड़ाने जा रहा है चर्च, आपके परिवार को बड़ी रीति के साथ छुड़ाने जा रहा है। आमीन ऊंचा चाहिए। अब देखो आगे क्या लिखा, 11 आयत में, तुम चोरी ना करना, एक दूसरे से कपट ना करना और झूठ ना बोलना। आज्ञाएं हैं, लोग तोड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हैं। हाँ कितने आ गया तू? मैं आ गया जी, बस नकोदर जंग पहुंच गया, अभी घर से निकले। ये भी झूठ है। आपको लगता है ये छोटा झूठ है, लेकिन कई बार ये चीजें आपकी बड़ी बरकत को रोक के रखती हैं और आपको मालूम भी नहीं होता। ओ छुट्टी कर ली तू, मैं बीमार सी जी, मैं ठीक नहीं सी। सीधा बोलो, भुआ के लड़के की शादी थी, सीधा बोलो घूमने जाना था, सीधा करो दिल नहीं कर रहा था जी, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। जब तक तुम सीधा स्पष्ट नहीं बोलोगे, परमेश्वर तुम्हें बरकत नहीं देगा। अब्राहम के लाइफ में कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम कोई दूसरे परमेश्वर को मानने वाला बंदा नहीं था, कोई व्यभिचारी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ में छोटे छोटे कुछ चीजें होंगी जो उसकी बरकत को रोक रही होंगी। परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम सिद्ध होता जा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अपनी कमियों को छोड़ दे, तो आप नहीं बोलेंगे, अगर आप वचन को समझते हैं कि कौन सी कमी। अगर आप जीसस क्राइस्ट को 20 साल से जानते हैं,
अगर मैं आपको बोलूं आपकी अपनी कमियों को छोड़ दे, आप बोलेंगे ठीक है जी मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कमी कौन सी है। अगली आयत, तुम मेरे नाम की झूठी कसम खाकर परमेश्वर का नाम अपवित्र ना करना। बात बात पे कसम खाना, मैंने प्रभु दी सोन लग गए, नहीं नहीं बाइबल दे हाथ रख दिया, मैं बाइबल दे हाथ रख दी, बार बार परमेश्वर की कसम खाना उसको अपवित्र करने के बराबर है। जिसको आपका यकीन नहीं है कि आपने बोला कि ओके लीव इट, कसम खाना सही नहीं। एक दूसरे पे अंधेर ना करना, ना एक दूसरे को लूटना। मजदूर की मजदूरी तेरे पास रात सवेरे तक ना रहने पाए, किसी की मजदूरी को मत रखना। बहरे को श्राप ना देना, अंधे के आगे ठोकर ना रखना। अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। न्याय में कुटिलता ना करना, कंगाल का ना तो पक्ष करना, ना बड़े मनुष्य का मुंह देखकर विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना। हालेलुया। लुतरा, बोलो लुतरा बन के। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है लुतरा बन के? क्यों परमेश्वर ने कहा लुतरा बन के एक अपने लोगों में ना फिरना? नीति वचन 11 उसकी 13 आयत भी यही कहती है, जो लतुराई करता फिरता वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। नीति वचन 18 उसकी 8 आयत भी यही कहती है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। अगर हम इसको इब्रानी भाषा में देखें तो लतुरा का मतलब है राकील। इब्रानी भाषा का 7400वां शब्द, जिसका मतलब है स्कैंडल मॉन्गर। अगर हम इसे पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, जो आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं ये हाई लेवल की बाइबल टीचिंग है जो आपको देना बहुत जरूरी है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज में पाते हैं जो बाइबल टीचिंग स्पेशल टीचिंग होती है, वो मैं आपको आज दे रहा हूं। उस फोटो को देखेंगे, स्कैंडल, डेफिनेशन ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग, स्प्रेडिंग मेलेशियस गॉसिप, टाइप ऑफ गॉसिपिंग। कदक कानाफूसी करने वाले, गॉसिप करने वाले, गली के बाहर बैठकर, हो भैन जी तुहानू पता लगा उदी कुड़ी फलाने मुंडे ना फसी हुई, भैन जी पता लगा तुहानू आप मुंडा नशे कर दा। अगर तुम विश्वासी हो तुम गॉसिप नहीं करोगे, अगर तुम्हें कुछ पता चल जाए तुम उसके लिए प्रेयर करोगे।